क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन है साडा 5th। सो जो 5th क्वेश्चन है ना साडे कोल एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो बड़े ही ध्यान नाल इसनूं असीं समझना है। सो क्वेश्चन दे विच की है साडे कोल एक त्रिभुज ए बी सी दीआं भुजावां ए बी बी सी अते सी ए दे मध्य बिंदु जिहड़े हन साडे कोल डी ई अते एफ दित्ते गए हन। दसो कि त्रिभुज डी ई एफ अते त्रिभुज ए बी सी के खेत्रफलों का अनुपात जिहड़ा असी पता करना है। सो देखो ध्यान नाल त्रिभुज है साडे कोल एक ए बी सी, असी एक ए बी सी जिहड़ी त्रिभुज है वह बना लैंदे हाँ। सो ये है साडे कोल एक साडी त्रिभुज ए बी सी। सो हुण इस ए बी सी त्रिभुज दे विच साडे कोल डी बिंदु दिता है भुजा ए बी ते। सो ए की है साडे कोल डी बिंदु भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। सो इस तरह साडे को बी सी सी ए हैं। सो डी बिंदु कहते हैगा साडे को ए बी ते, इत्थे हैगा साडे को मध्य बिंदु डी। सो सब तो पहला मिड पॉइंट की गल कर ली, असी सोल्यूशन की गल करते हैं। डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु मतलब कि मिड पॉइंट है, इसलिए बिंदु डी भुजा ए बी नू दो बराबर भागा मतलब कि बायसैक्ट विच वंडेगा। सो बायसैक्ट या दो बराबर भागों में वंडेगा साडे को एक ही मतलब होएगा बायसैक्ट। इसका मतलब ही होंगे कि दो भागों के किसी चीज़ को वंड देना। सो जो दो बराबर भागों में वंडदा है तो साडे कोल जिहड़ी भुजा, देखो ये साडे कोल दो भाग बन गए, एक बी डी बन गया और दूसरा बन गया साडे कोल डी ए जां ए डी। सो ये दोवें साडे कोल की होणगे बराबर दोवें भाग। सो किहदे बराबर होणगे एक वटा दो ए बी। सो देखो ध्यान नाल ये है साडे कोल बी डी नाल है साडे कोल ए डी। सो बी डी ते ए डी नूं जदों प्लस करदे हां तां साडे कोल सारी बन जांदी है ए बी। सो बी डी दी जगह ते असीं की लिखदे हां देखो, सो असीं लिखिया बी डी प्लस ए डी दी जगह ते की लिख दांगे असीं बी डी, क्योंकि दोवें बराबर हन साडे कोल आ जाएगा ये बराबर ए बी। सो साडे कोल बनेगा दो बी डी बराबर आ जाएगा ए बी। सो जेकर असीं बी डी दी वैल्यू कढ़नी होवे साडे कोल हैगी एक वटा दो ए बी। सो ध्यान ना समझो कि जदों भी साडे कोल मध्य बिंदु दिता हुंदा है तां ओह एक भुजा नूं दो बराबर भागां विच वंड दिंदा है, सो बायसैक्ट करदा है। सो ओह सारी भुजा दा जिहड़े भी दो भाग बणदे हन ओह सारी भुजा दे एक वटा दो यानी कि हाफ दे बराबर हुंदे हन। सो 1/2 मतलब हाफ। सो इस तरह बी डी एक वटा दो ए बी आ गया, इस तरह बी डी बराबर सी ए डी ते ए डी भी एक वटा दो जिहड़ा ए बी होवेगा। सो हुण ए आ गया साडे कोल, हुण जदों बिंदु ई भुजा किहड़ी दा बी सी, बी सी दा मध्य बिंदु है। सो इत्थे देखो साडे कोल आ गया बी सी दा मध्य बिंदु ई। सो इस तरह साडे कोल ए सी दा भी मध्य बिंदु किहड़ा है साडे कोल एफ। हुण जदों ई भुजा बी सी दा मध्य बिंदु है तां साडे कोल की आएगा, ये भी दो भागों में वंडी गई साडे कोल बी ई बराबर ई सी। सो साडे कोल बराबर हो जाएगी एक वटा दो बी सी। सो इस तरह साडे कोल फिर आ जाएगा जदों एफ भुजा ए सी दा मध्य बिंदु है तां। हुण जदों ए मध्य बिंदु है तां साडे कोल भी दो बराबर भाग विच वंड रहा है ए सी नूं, तां साडे कोल ए एफ बराबर एफ सी बराबर आ जाणगे एक वटा दो ए बी। सो मिड पॉइंट दा जिहड़ा कंसैप्ट सी ये हुंदा साडे कोल मिड पॉइंट जां मध्य बिंदु दा जिहड़ा कंसैप्ट। सो ये सानूं क्लीयर हो गया होवेगा। हुण इस तों बाद असीं करना है कि डी नूं ई दे नाल मिलाओ अते ई नूं एफ नाल मिलाओ अते डी नूं फिर तुसीं एफ नाल मिलाओ। सो जदों असीं डी ई एफ तिन्नों नूं मिला दिंदे हां तां साडे कोल इक त्रिभुज नवीं बनती है जो डी ई एफ है। सो इस त्रिभुज बनने दे नाल देखो तुहाडे कोल ध्यान दे नाल एक दो तीन त्रिभुज होर बनदे हन, मतलब कि साडे कोल एक
दो तीन चार त्रैभुज जिहड़े वो बन जाते हैं। सो किहदे विच बनते हैं? एक सिंगल त्रैभुज ए बी सी दे विच जिहड़े बनते हैं। हुण असीं सिद्ध की करना है कि इन्हां दा अनुपात जिहड़ा असीं सो असीं पता की करना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ अते डी ए बी सी इन्हां दा अनुपात जिहड़ा असीं पता करना है। सो इस नूं पता करन दे लई असीं दो त्रैभुज इस दे विच्चों लवांगे। असीं त्रैभुज डी ई एफ अते त्रैभुज देखो डी ई एफ लई है, दूसरी लैंदे असीं बी ई डी, विच। सो हुण जदों असीं ये दोवें त्रैभुज लैंदे हाँ, ध्यान नाल समझणा है साडे कोल की बनता है। देखो इस तरह साडे कोल एक जिहड़ी फिगर है वो बन रही है, तो जिहदे विच साडे कोल पॉइंट है बी, ए है ई पॉइंट, ए है साडा एफ पॉइंट, अते ए है डी। सो डी साडे कोल ई दे नाल इस तरह मिलिया होया है। हुण देखो साडे कोल बी ई एफ डी एक जिहड़ी कि समांतर चतुर्भुज बनी हुई नज़र आ रही है, जिसनों असीं पैरलोग्राम बोलते हाँ, जिस दियां सन्मुख भुजावां जिहड़ियां समांतर हुंदियां हन। इत्थे लिखदे हां असीं बी ई एफ डी समांतर चतुर्भुज, इसलिए एंगल बी बराबर होएगा एंगल एफ। सो क्यों बराबर होणगे? क्योंकि ये दोवें समांतर चतुर्भुज दे सन्मुख कोण हैं। तो जिहड़े भी साडे कोल ओपोजिट एंगल्स होंदे हन पैरलोग्राम दे, सन्मुख त्रैभुज दे सन्मुख कोण होंदे हन, तां वो साडे कोल बराबर होंदे हन, इसलिए बी बराबर एफ आ गया। इसी तरह जिहड़ा साडे कोल एंगल डी होएगा वो बराबर होएगा एंगल ई दे। सो ये दोवें एंगल भी साडे कोल जिहड़े बराबर होणगे, अते ये एंगल भी साडे कोल बराबर हन। हुण देखो ध्यान दे नाल, जिहड़े डी ते ई एंगल है वो तां दो भागां विच वंडे जांदे हन। सो इस दोवें भागां नूं असीं की करना है ध्यान नाल समझदे हाँ, जदों बीई समांतर है डी एफ दे। सो देखो ये है साडी बीई, सो उपर है साडा डी एफ, सो ये दोवें समांतर हन साडे कोल, तां साडे कोल एक जिहड़ी काटवीं रेखा बन रही है डीई। इस तरह जदों डी काटवीं रेखा बन रही है साडे कोल, तां काटवीं रेखावां दे अंदरले एकांतर कोण जिहड़े हुंदे हन वो साडे कोल बराबर हुंदे हन, इसलिए एंगल एफ डी ई, बराबर है एंगल बी ई डी। इस तरह साडे कोल त्रैभुज डी ई एफ अते बी ई डी दे विच दो एंगल जिहड़े बराबर आ जांदे हन, मतलब कि संगत कोण जिहड़े वो बराबर आउंदे हन। एक साडे कोल बी बराबर असी एफ दर्शाया है, दूसरा साडे कोल एंगल एफ डी ई अते बी ई डी आ गया है, इसलिए त्रैभुज डी ई एफ सरबंग सम होएगा त्रैभुज बी ई डी। सो सरबंग सम ते कसौटी कि साडे कोल लगेगी इस दे लई, ए कसौटी तो। सो असी ए कसौटी लाने हाँ, ध्यान ना समझो कि जो साडे को दो कोण होंगे हैं तो तीसरा कोण साडे को ऑलरेडी बराबर होएगा, अंडरस्टूड है तो ठीक है। सो इसलिए साडे को दोवें त्रैभुज आ गए सरबंग सम। तो हुण असी पिछले क्वेश्चन दे विच क्वेश्चन नंबर 4 दे विच पढ़िया सी कि जो दो त्रैभुज सरबंग सम होंगे हैं तो उन्हों का शेप और साइज इक्को जिहा होंदा है। हुण जो मान लो साडे को दोवें ही त्रैभुज का साइज इक्को जिहा हो गया, मतलब कि जिनी जगह ए बी ई डी त्रैभुज लेगी उन्नी ही जगह डी ई एफ त्रैभुज लेगी, तो मतलब खेत्रफल दोवां दा बराबर होएगा। सो इसलिए खेत्रफल त्रैभुज डी ई एफ बराबर होएगा खेत्रफल त्रैभुज बी ई डी। सो इसनों असी मान लेंदे हाँ एक, इत्थे लिख लो असी एक तो। सो समीकरण एक तो दोवां दा खेत्रफल साडे कोल बराबर आ गया, इसलिए साडे कोल की आ जाएगा खेत्रफल त्रैभुज डी ई एफ बराबर खेत्रफल त्रैभुज बी ई डी बराबर खेत्रफल त्रैभुज सी ई एफ बराबर खेत्रफल त्रैभुज डी एफ ए। सो साडे को चार ही जिहड़े भाग बन रहे सी
त्रैपू जाते हो चारा का खेत्रफल की आ गया साढ़े को बराबर। सो इसलिए आएगा साढ़े को खेत्रफल त्रैपुज ए बी सी बराबर आ जाएगा साढ़े को खेत्रफल त्रैपुज डी ई एफ प्लस खेत्रफल त्रैपुज बी ई डी प्लस खेत्रफल त्रैपुज सी ई एफ प्लस खेत्रफल त्रैपुज डी एफ ए। सो चारा के खेत्रफल को जोड़ के साढ़े को कहता खेत्रफल बन रहा है त्रैपुज ए बी सी का। खेत्रफल त्रैपुज ए बी सी बराबर आएगा साढ़े को। हुण देखो इन्हां चारा ही त्रैपुजां दे खेत्रफल के साडे कोल बराबर हैं, मतलब कि असी एक ही त्रैपुज का जिहड़ा नाम है उस सारयां दी जगह पर वरत सकते हैं। तो साडे कोल गल किहदी कीती गई है, डी ई एफ की। ठीक है, हुण देखो असी लिखते हैं खेत्रफल त्रैपुज डी ई एफ। सो देखो डी ई एफ बी ई डी का खेत्रफल कि बराबर डी ई एफ दे, इसलिए बी ई डी की जगह पर भी असी की लिखांगे डी ई एफ प्लस खेत्रफल त्रैपुज डी ई एफ प्लस खेत्रफल। हुण देखो डी बी ई एड के बराबर सी ई एफ दे, सारे बराबर है ना, असी इहदी जगह पर भी डी ई एफ लिखांगे, इहदी जगह पर भी डी ई एफ लिख लाँगे असी। ठीक है, सो साडे कोल आ जाएगा खेत्रफल त्रैपुज सी ई एफ की जगह पर भी आ गया डी ई एफ, फिर आ गया प्लस खेत्रफल त्रैपुज डी ई एफ। हुण देखो साडे कोल डी ई एफ जिहड़ा किन्नी वारी आ रहा है, खेत्रफल त्रैपुज ए बी सी डी किन्नी बारी आ गया साढ़े को, चार बारी, यदा मतलब गया चार खेत्रफल त्रैपुज डी ई एफ। क्लीयर, हुण देखो असी पता करना है डी ई एफ ओवर ए बी सी, ये आ गया साढ़े को खेत्रफल त्रैपुज डी ई एफ वटा आ जाएगा साढ़े को खेत्रफल त्रैपुज ए बी सी ओवर आ गया साढ़े को। हुण ए बी सी जो इस साइड पर चला गया तो इधर बचा साढ़े को एक, तो इस दे नाल चार सी, वो चार जिहड़ा साढ़े को आ गया इधर आके डिवाइड हो गया नीचे। सो इसलिए साढ़े को जिहड़ा इस त्रैपुज का खेत्रफल है अनुपात है जिहड़ा की आ जाता एक वटा चार जिहड़ा वो आ जाता है। सो यह साडा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिस दे विच साढ़े को एक त्रैपुज दी गई सी ए बी सी, उसके मध्य बिंदु दिए गए सी डी ई बी भुजावां दे। सो अनुपात असी पता करना सी एरिया डी ई एफ का अते त्रै वटा त्रै एरिया त्रैपुज ए बी सी का। सो जो साढ़े को एक वटा चार आया, सो किस तरह आया, सब तो पहला असी मिड पॉइंट जिहड़े मध्य बिंदु से उन्हां दा कंसैप्ट क्लीयर किया। उस तो बाद साढ़े को चार त्रैपुज बन रहे सीगे, उन्हां चों असी दो त्रैपुज ले एक बी ई डी अते डी ई एफ जिन्हां नूं असी सरबंसम सिद्ध किया। जदों सरबंसम सिद्ध किया तो साढ़े को उन्हां दे जिहड़े आकार आ बराबर हो गए, जदों आकार बराबर हो गए तो उन्हां दोवां ने इको जी जगह लैनी है तो खेत्रफल भी साढ़े को दोवां दा बराबर हो गया। सो कसौटी लई असी ए ए कसौटी तो, सो ट्रिपल ए कसौटी भी लग जाएगी क्योंकि तीसरा एंगल भी बराबर है साढ़े को। सो इसलिए खेत्रफल त्रैपुज डी ई एफ बराबर है खेत्रफल त्रैपुज बी ई डी। सो हुण दोवें खेत्रफल बराबर हैं तो इस तरह देखो ये भी दोवें भाग साढ़े को इको जे लग रहे हैं, इन्ह के बराबर ही लग रहे हैं। सो इसलिए इन्हां सारयां दा खेत्रफल की होगा साढ़े को बराबर। सो सारयां दे खेत्रफल बराबर होणगे, सो ए बी सी का खेत्रफल जिहड़ा बराबर होएगा चारा के खेत्रफल के जोड़ के बराबर। सो असी चारा का खेत्रफल प्लस च लिखिया, फिर सारयां दी जगह ते डी ई एफ की जगह ते तां डी ई एफ आना ही सी। सो बी ई डी किहदे बराबर डी ई एफ दे, उसकी जगह ते असी डी ई एफ लिखिया, डी सी ई एफ की जगह ते डी ई एफ, डी एफ ए की जगह ते साढ़े को आ गया डी ई एफ। सो उस तो बाद साढ़े को चारों नूं जुड़िया साढ़े को आ गया चार खेत्रफल त्रैपुज डी ई एफ। फिर असी जिहड़ा कि अपना डिवाइड का मैथड लगाया, सो फोर डिवाइड इस साइड ते हो गया, ए बी सी डिवाइड इधर हो गया, तो साढ़े को जिहड़ा इसका अनुपात आ गया कितना आ गया एक वटा चार। सो उम्मीद करता कि क्वेश्चन जिहड़ा तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। सो वध तों वध बच्चों तक शेयर करो। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास के नैक्सट क्वेश्चन के नाल।